तो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और स्वागत है आप सभी का डे टू में। कहाँ से? लात पंचर से। तो सुबह मैं जल्दी उठ गया, 4:30 बजे उठा। क्यों? सनराइज़ दिखना था मुझे, सनराइज़ का टाइम लैप्स कैप्चर कर लिए करके अभी थोड़ा निकल गया है लात पंचर के जो सराउंडिंग एरियाज़ है वो एक्सप्लोर करने के लिए। भन्दा भन्दै रसाउँछन् आँखा, बुझिन मैले तिम्रो हृदयको भाका, जलन किन जब तिम्रै हुन सकिन। बात करते हैं थोड़ा लात पंचर के बारे में। तो लात पंचर बेसिकली एक छोटा सा हिली हैमलेट है जो कि करशोंग और आपका तीस्ता बाज़ार के बीचों बीच आता है। जो बर्ड वॉचर्स है या ऑर्निथोलॉजिस्ट है, जो पक्षी प्रेमी है, उनके लिए ये जगह हेवन है। सो काफ़ी दूर दूर से, देश विदेश से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर बर्ड वॉचिंग करने के लिए। तो आप में से अगर कोई भी बर्ड वॉचिंग के सबसे ज़्यादा बड़े फ़ैन हो, दिस इज़ द प्लेस टू बी माई ब्रदर। और ये बेसिकली है सिटोंग फॉरेस्ट, मेरे जो ऊपर या पीछे जो देख सकते हो आप, ये वाला एरिया पूरा सिटोंग फॉरेस्ट है। थोड़ी देर बैठूंगा, थोड़ा नज़ारे का मज़ा लूँगा, थोड़ा पीस फील करूँगा, उसके बाद निकलूँगा यहाँ से। तब तक आप लोग देखते रहिए ये सिनेमैटिक शॉट्स। मैं खड़ा हूँ नामथिंग पोखरी में। नामथिंग पोखरी बेसिकली एक नेचुरल लेक है जो कि अभी कंजर्व्ड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो इसमें अंदर घुसना, खेलना, फ़ोटो उठाना अंदर घुस के, या कुछ स्विमिंग करना, कुछ अलाउड नहीं है अंदर। और अगर आपको यहाँ पे आना है नामथिंग पोखरी, तो बेसिकली ये सीटोंग और ओहलदारा के बीच में आता है, ठीक है? बहुत ही नज़दीक है, ओहलदारा व्यू पॉइंट से बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पे एक अभी मंजर ज़मीन आपको दिख रहा होगा, बट मानसून के टाइम पे पूरा पानी गिरता है, ये पूरा एरिया जो है पानी पानी होकर रहता है। और काफ़ी सारे इंसेक्ट्स, सैलामेंडर, बर्ड्स और काफ़ी प्रजाति के इंसेक्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मानसून। तो मेरे पीछे अभी है माउंट कंचनजंगा। तो ये व्यू देखने के लिए बहुत देशों से, बहुत जगह से लोग आते हैं यहाँ पर, बट नसीब नहीं होता। ओहलदारा व्यू पॉइंट ना जाके इधर बहुत सारे जगह है जहाँ से आप देख सकते हो क्लियर व्यू। और इसके बाद मैं जाऊँगा होम स्टे, फिर वहाँ से एक और बहुत दमदार प्लान है। तो बेसिकली आज कैंपिंग करने का इरादा है शाम को, तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उसका डिटेल्स मैं खाने के बाद आपके साथ शेयर करूँगा, कहाँ जा रहे हो, कैसे, क्या है पूरा कुछ। अभी आप एंजॉय कीजिए कंचनजंगा के व्यू।
सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल वंस मोर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग, घर ही में बज रहे हैं 4 एग्जैक्टली। तो कहाँ जा रहे हैं भैया? इधर आओ ना, अभी हम लोग इधर आओ पहले। अभी हम लोग सबसे पहले ये मेरे एक भाई जैसे है, बड़े भाई जैसे है। इनका नाम है मेनोल या जगत भाई। इनका पूरा डिटेल्स जो है मैं आपको ज़रूर स्पेसिफाई कर दूंगा कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस टाइम पे हम लोग निकलने वाले हैं एक छोटा सा कैंपिंग के लिए। कहाँ भैया एग्जैक्टली? रोलोक बोल के। तो रोलोक बोल के एक जगह है, आई थिंक थोड़ा फॉरेस्ट के बीचों बीच। फॉरेस्ट के बीच ऑरेंज ट्री है, वहाँ ऑरेंज ट्री है वहाँ पे। तो अभी सब कुछ नहीं, जाके फिर दिखाते हैं वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, पूरा सस्पेंस अभी नहीं खोलना है, तो जल्दी से जाते हैं बिकॉज अभी शाम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। दिखाते हैं आपको बहुत जल्दी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम लोग टेंट लगाने वाले हैं, उस लोकेशन पे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे लगाते हैं टेंट। तो हाजिर है हम अपने कैंपिंग ग्राउंड पे। तो घड़ी में बज रहा है कुछ 5, जैसे कि आपको दिख रहा है कि अंधेरा होने को है और आई थिंक 15-20 मिनट या आधा घंटे के अंदर पूरा डार्क हो जाएगा। तो उससे पहले टेंट लगाना है, बारबेक्यू बनाना है और जितना भी अरेंजमेंट करना है वो करके रखना है। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज चारों तरफ अगर आप देखो तो सिर्फ फॉरेस्ट और माउंटेन हिल्स और खुला आसमान है और कुछ नहीं है। मैं 360 देता हूँ आपको, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना सही लोकेशन है। चलिए जो टूरिज़्म है लॉकडाउन के बाद अभी रीओपन हुआ है, रिवाइव हुआ है, और इसको बचाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो मेरा और आपका है। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे तो ये जो सिटोंग है या ओहोलधारा है या लाटपांचर है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे होम स्टेज निकल के आ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना भी हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा ही एक होम स्टे का मैं अभी डिस्क्रिप्शन आपको देने वाला हूँ। तो इनका नाम है मनोज दियाली सर, ये एक होम स्टे चलाते हैं जिसका नाम है ऑरेंज ट्री होम स्टे, जो कि शेलपू के पास है और ओहोलधारा बोलने से भी हाँ तो लोगों को समझ आ जाएगा। तो इनका होम स्टे का नंबर, डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैं कमेंट बॉक्स में लिख के दूंगा, आप लोग ज़रूर जाइए चेकआउट कीजिए इनको। सर अगर 2 लाइन आप कह देते तो अच्छा होता। जी मेरा नाम मनोज दियाली है और हमारा होम स्टे का नाम है ऑरेंज ट्री होम स्टे और हमारा होम स्टे है आलनाड़ा का पास में। तो आप ज़रूर आ सकते हैं, हमारा सब आपको नेचुरल मिलेगा और हमारा पूरा संतरा का बगान है, कमला लेबू का बगान है और उसका अंदर में हमारा घर है, अच्छा कॉटेज है। तो ऐसे तो हम अपना खुद प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन आप ज़रूर आइए एक बार हमारे पास और आइए और हमारा नेचुरल जो चीज़ है और कॉटेज है सब कुछ है जो आप देख लीजिए, फिर आप एक बार अगर जरूर आप आएंगे ना तो ज़रूर आपको दिल होगा कि हमारे होम स्टे में जरूर बार बार आए। ये है मेरे अतुल भाई। ठीक है, तो अतुल भाई का भी यहाँ पे एक होम स्टे अतुल भाई भी चलाता है और बहुत ही प्यारा वो भी होम स्टे है। यहाँ पे आओ, आने के बाद जो लोग मिलेंगे आपको उनके साथ आपको प्यार हो जाएगा, इतना मैं तहे दिल से कंफर्म करके कह सकता हूँ आपको। बहुत ही प्यारा होम स्टे है, बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट है और जो होस्ट है
उसका तो माशाल्लाह मैं क्या बताऊँ। तो आप थोड़ा दो लाइन बता दो आपके होम स्टे के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे जो भाई हैं मैं इनको बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, ठीक है। इन्होंने मेरे को ऐसा वैल्यूएबल एक मौका दिया कि मैं इनके बिहाफ से आपके सामने कुछ बोल पाऊँ। तो सबसे पहले तो मेरे होम स्टे का नाम है नमस्ते लाट पंचर, जो कि लाट पंचर में सिचुएटेड है, ठीक है। और ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस 2 ही साल हुआ है, ठीक है। बट एक्स फैक्टर जो कि मैं आपको सबसे पहला चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो भी गेस्ट आता है, ठीक है, वो एज अ गेस्ट आता तो है बट वो एज अ रिलेटिव वापस आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी वो यहाँ से वापस जाता है तो वो मेरे को लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरी कलेक्ट करके जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी जितने भी मेरे गेस्ट हैं वो सारे कनेक्टेड है मेरे साथ, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज़ बोलूँगा, आप आओ और मेरे साथ बैठो और मेरे यहाँ पे एज अ गेस्ट रहो और मेरा भाई, मेरे भैया या फिर मेरे अंकल आंटी सब बन के आप एक स्ट्रेंजर बन के आते हो। हाँ। बट जाना इनके हाथ में है, तो आप ज़रूर आओ, ज़रूर स्टे करो इनके होम स्टे पे। बस यही तक था इस वीडियो का सफ़र मेरे साथ आपका। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, आई विल सी यू सून। टिल देन अच्छे से रहना, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।